ज्यों-ज्यों समय आगे बढ़ता है, मानव की प्रगति के मार्ग भी स्वतः प्रशस्त होते जाते हैं। समय का निर्माण तो मानव के वश में नहीं, परंतु समय को बदलने की शक्ति मानव में अवश्य है। यह एक ऐसा लक्षण है जिससे मानव की श्रेष्ठता सिद्ध होती है। मानव इस ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, परंतु जब तक उसे इस बात का एहसास नहीं हो जाता, तब तक उसके लिए कुछ भी महान कार्य करना कठिन ही नहीं, असंभव सा ही होता है। दोस्तों, मैं हूं पोषण कुमार और आप सुन रहे हैं आपका अपना चैनल मेरी आवाज बाय पोषण। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं यह क्या बता रहा हूं, पर यह जो एपिसोड मैं लेकर आया हूं, यह निश्चित ही आप सभी को बहुत प्रेरित करेगी। वैसे 20वीं शताब्दी में भारत में प्रसिद्ध पुरुष तो बहुत हुए, परंतु प्रसिद्ध होना और सफल होना दो पृथक चीजें हैं। सफलता का यश उन्हीं को मिलता है जो देश को संवारने, सजाने और उसे आगे ले जाने का काम करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ऐसे अनेक महान पुरुषों ने बड़ी तेजी से भारत के भाग्य को संवारने का काम किया है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक युग की कहानी। यह एक पूरे युग का इतिहास अपने में समेटे हुए है और आगे के युग की झलक प्रस्तुत करती है। तो दोस्तों, प्रारंभ करते हैं एक ऐसे ही अद्वितीय युग पुरुष की गाथा। जी हां, हम जिन्हें बापू कह के पुकारते हैं, वही एक अद्वितीय युग पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। किसी भी दृष्टि से देखा जाए तो महात्मा गांधी को 20वीं शताब्दी का युग पुरुष मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण ने बरसों पूर्व कहा था कि जब जब देश में ऐसा कोई संकट पैदा होता है जिसका कोई समाधान दिखाई न दे, उस समय एक युग पुरुष का जन्म होता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्। भारत सदियों से पराधीन चला रहा था, इसके पाश से मुक्त होने का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। भारतीयों का एक समृद्ध वर्ग देशवासियों के कष्टों के संबंध में अंग्रेज सरकार के सामने केवल याचिकाएं पेश करने से अधिक कुछ नहीं कर पा रहा था। यह आश्चर्य की बात प्रतीत होती है कि एक छोटे से देश इंग्लैंड ने इतनी शक्ति जुटा ली कि वह एक ऐसा देश बन गया जिसके राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता था, और भारत जैसा विशाल और प्राचीन समृद्ध परंपरा वाला देश भी उसके सामने नतमस्तक हो गया। गांधी जी का जन्म गुजरात की पोरबंदर रियासत के एक कर्मचारी, जिसे वहां का दीवान कहा जाता था, के घर राजकोट नगर में हुआ था। उनकी माता बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, उनका प्रभाव बेटे पर पड़ा और इस सत्यनिष्ठा के कारण वे सदा बुराइयों का विरोध करते रहे। कोई गलत काम कर बैठते तो उसे फौरन स्वीकार भी कर लेते थे। सत्य के निमित्त संघर्ष करने के उद्देश्य से उन्होंने सत्याग्रह नामक लड़ने की नई शैली भी विकसित की, जिसे सारी दुनिया ने स्वीकार किया। विशेषतः इसी योगदान के कारण वे अपने युग से सबसे महान व्यक्ति बने। गांधी जी ने देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक आंदोलन चलाए। उनसे देश का कोई भी वर्ग अथवा प्रदेश अछूता नहीं बचा। चंपारण रोलट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, मजदूरों, दुकानदारों, छात्रों, वकीलों आदि से जुड़े जो भी आंदोलन उन्होंने किए, उनसे वे सभी क्षेत्रों की भारतीय जनता को प्रभावित करने में समर्थ हुए और कांग्रेस के बेताज बादशाह बन गए। यह सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में स्वयं भाग न लेकर भी पांडवों को विजय दिलवाई। गांधी जी इस कांग्रेस के प्रारंभिक सदस्य भी नहीं थे, परंतु फिर भी वे इस संस्था के प्राण थे। भारत लौटने के बाद
गांधी जी सबसे पहले यहाँ के नेताओं सर फिरोज शाह मेहता, लोकमान्य तिलक और गोखले आदि से मिले और देश का दौरा किया। उनका सबसे पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था, जो बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों को गोरों के जुल्मों से बचाने के लिए किया गया था। यही उनकी भेंट बिहार के प्रमुख व्यक्तियों राजेंद्र बाबू आदि से हुई और वे भी गांधी जी के अनुयायी बन गए। अगस्त 1920 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए रोलट एक्ट के विरुद्ध उन्होंने देशव्यापी सत्याग्रह चलाया। तभी लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई और देश की पूरी स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर गांधी जी के हाथों में आ गई। सत्याग्रह आरंभ होते ही महात्मा गांधी जी के कहने पर विद्यार्थियों ने कॉलेज छोड़ दिए, सरकारी कर्मचारियों ने नौकरियों से त्याग पत्र देने प्रारंभ कर दिए, सरकारी खिताब लौटाए जाने लगे, वकीलों ने आंदोलनों का बहिष्कार किया, अलग अलग स्थानों पर विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई जाने लगी। ये सब बिल्कुल नए ढंग के कार्यक्रम थे और सारे देश में एक नई जागृति दिखाई देने लगी। ब्रिटिश सरकार ने हजारों सत्याग्रही जेलों में ठूंस दिए, अनेक व्यक्तियों की संपत्तियों को जब्त कर लिया और अनेक प्रकार के जुल्मों का दौर आरंभ हो गया। गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई गई, परंतु अस्वस्थ हो जाने के कारण 1924 में वे रिहा कर दिए गए। इसके बाद गांधी जी ने देश से ऊंच नीच के भेद को मिटाने के लिए अछूतोद्धार आंदोलन चलाया। देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर चरखा और खादी तथा ग्रामोद्योगों के विकास का कार्य आरंभ किया। 1930 में डांडी का ऐतिहासिक कूच करके नमक कानून तोड़ा। इस प्रकार भारतीय जनता में उन्होंने निर्भीकता के साथ आत्मनिर्भरता का मंत्र भी फूंक दिया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के सामने पूर्ण स्वतंत्रता की बात न करके अन्य कई उपायों से उसे बहलाना चाहा, परंतु कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में पूर्ण स्वतंत्रता के अतिरिक्त कुछ भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। 1930 में गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने इंग्लैंड गए। वे वहां के निर्णयों से संतुष्ट नहीं हुए और भारत लौटकर उन्होंने फिर आमरण अनशन आरंभ कर दिया। 1939 में हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं से परामर्श किए बिना भारत को युद्ध में सम्मिलित कर लिया। इस बात का उन्होंने विरोध किया और अगस्त 1942 में एक जोरदार भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटेन के चुनावों में मजदूर दल की जीत हुई। उसने 15 अगस्त 1947 में देश को 2 भागों में बांटकर स्वतंत्रता दे दी। दूसरे भाग का नाम पड़ा पाकिस्तान। भारत को आजादी दिलाकर और जवाहरलाल नेहरू के हाथ में देश की बागडोर सौंपकर गांधी जी आगे के कार्यक्रम पर विचार कर ही रहे थे कि एक सिरफिरे नौजवान ने प्रार्थना सभा में उनको गोली मार दी। उस समय गांधी जी बिरला भवन नई दिल्ली में प्रार्थना सभा में भाग लेने जा रहे थे। वे वहीं हे राम कहते हुए गिर पड़े। शांति, सत्य और अहिंसा का सूर्य सदा के लिए अस्त हो गया। मित्रों, दिल्ली का राजघाट आज भी उनकी याद संजोए है।